कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सभी जगह लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जवा में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को ना तो मास्क के बारे में पता है ना ही सैनिटाइजर के बारे में पता है। लॉकडाउन में गांव के मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, जिससे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में सरकार ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए फंड दिया है ताकि लोग कोरोना से बचाव कर सके। त्योथर के ग्राम पंचायत अमीलिया गांव में स्थानीय ग्रामीणों से बात की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। इन गांव में अधिकांश आबादी आदिवासी समाज के लोगों की है। लोगों का कहना है कि गाँव के लोग खेती के अलावा आसपास मजदूरी का काम भी करते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। अमेलिया में ग्रामीणों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा संपूर्ण गांव में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नालियों में डीडीटी का छिड़काव नहीं कराया गया है। गांव के जो लोग विभिन्न शहरों से आए हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं कराया गया है। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क के बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। अब हो गया, अब सब दुख दाले दर देहन पड़ा है, अब घर दुआ नहीं है, का करी पंच अब बहन दरे कहाँ है सरपंच तो वहाँ चला गया। हो गया तो करपला लगा बटे तो खाने पीने का अनाज नहीं है घर में, तो खाना पीना चाहिए लगे। गांव में आपके साफ सफाई, दवाई, मास्क का वितरण किया क्या? कुछ नहीं हुआ। सरपंच सचिव से आपसे शिकायत नहीं किया? नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? आए तक नहीं फेरा नहीं गया, सचिव एकदम ही आए थे तो कुछ लिस्ट में लिख गए हैं 4 से 10 जने के नाम जी, एक बार फिर से नहीं आए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।